हेलो गाइस, कैसे हैं? आप अच्छे होंगे। तो हमेशा एक तरह एक वीडियो, और तो मैं आज आपको वीडियो बता दूं, नार्जो 30A, उसके डिस्प्ले ग्राफिक्स और उसके डिस्प्ले लाइट के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं वहां पे किस पिन पे कितना GR आना चाहिए, किस पिन पे GR नहीं आना चाहिए, ये किस पिन पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, ये सभी के साथ मैं वीडियो को बनाने वाला हूँ गाइस। तो वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा और उसका हर एक सोल्यूशन मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को अगर आपको पता है तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को लास्ट एंड तक आप जरूर देखिएगा। इसमें आपको मैं एक्सप्लेन के साथ समझाता हूँ। हर एक चीज, हर एक लाइन को मैं समझाता हूं कि आप उसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो कभी भी आपके पास नार्जो 30A आएगा तो आप उसको, अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको इंडले समझ में आ जाएगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है और आपको सोल्यूशन क्या करना है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लिया गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्राफिक्स लाइन को एक्सप्लेन करूंगा, और ग्राफिक्स लाइन को एक्सप्लेन करने के बाद ये भी बताऊंगा कि आप उसमें क्या क्या चीजें कर सकते हो और क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है। तो सबसे पहले आपको जितने भी पिन यहाँ पे दिखाई दे रही, जितने भी कलर्स यहाँ पे डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन सभी पे आपको GR आना चाहिए। अब बात आती है GR की, तो GR किस में आना चाहिए और GR किस में नहीं आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है गाइस, VSN मतलब जो हमारे -5 की लाइन है, इसमें हमारा वोल्टेज, इसमें हमारा रीडिंग आता भी है और रीडिंग नहीं भी आता है। ये ID की लाइन आप देख रहे हैं, ID में भी रीडिंग आता है और ID में भी रीडिंग कुछ फोनों में नहीं आता है। तो मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि इस फोन में नार्जो 30A में इसमें रीडिंग आने वाला है कि रीडिंग नहीं आने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप से। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे सभी लाइनों को आपको यहाँ पे GR आना चाहिए, सभी पे आपको जितने भी डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। अब GR कितना आएगा मैं आपको यहाँ पे वीडियो में भी बने रहेंगे, मैं आपको कवर करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले ये MIPI की लाइन है। तो यहाँ पे 5 आपको यहाँ पे 10 देखिए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये MIPI की लाइन है। तो सबसे पहले आपको MIPI लाइन चेक कर लेना है कि MIPI लाइन हमारी ओके है कि नहीं है। अगर इसमें आप सब में GR आ रहा है मतलब हमारी MIPI लाइन ओके है, तो इसमें आपका GR आना चाहिए। अब दूसरी बात हम कर सकते हैं ID की लाइन। अब ID की लाइन में गाइज आप देख सकते हैं ID की लाइन जा रही है, और ये सारी जो MIPI की लाइन होती है वो CPU से आती है गाइज, मैं आपको बता दूँ। ये जो ID की भी लाइन होती है ये भी CPU से आती है, देख सकते हैं यहाँ पे ID और MIPI की लाइन। यहाँ पे उसके 5 डुअल कॉयल लगे हुए हैं, इस डुअल कॉयल ओपन हो जाने के कारण भी आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो ये आप इसको डुअल कॉयल को भी चेक करना है, एक तरफ GR आ रही है एक तरफ नहीं आ रही, तो हटा के इसको आप जम्पर भी मार सकते हैं। और ये हमारी ID की लाइन देख सकते हैं, ID में भी रजिस्टर लगे हैं, हाई वैल्यू के रजिस्टर लगे हैं जैसा कि मैं बता दूँ यहाँ पे। और ये सारी सप्लाई गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, सारी सप्लाई हमारी CPU से आ रही है। मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो सारी सप्लाई हमारी CPU से आ रही है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाने की मैं कोशिश करूँ। तो चलिए फटाफट आगे की हम बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना है MIPI की लाइन, उसके बाद चेक करना है आपको ID। तो चलिए मैं फटाफट देना करते, मैं आपको ये भी बता दूँ कि किस में GR आना चाहिए किस में नहीं आना चाहिए। तो MIPI की लाइन में उसका देख सकते हैं, यहाँ पे 515 करीब इसकी रीडिंग आनी चाहिए, 500 से 15, 600 के करीब इसकी रीडिंग आनी चाहिए। और जो ID की भी लाइन है गाइस, इस ID में तीनों में आपका अप्रॉक्स 755 775 के करीब यहाँ पे रीडिंग आना चाहिए। अब जो टीयरिंग की लाइन है, टीयरिंग की लाइन में मैं आपको बता दूँ, टीयरिंग की लाइन आपको चेक कर लेना है। टीयरिंग की लाइन में मैं बता दूं क्या क्या चीजें लगी हुई है, ये देख सकते हैं टीयरिंग की लाइन है। टीयरिंग भी लाइन हमारा CPU से आता है, लाइन ग्रीन हम आपको यहाँ पे दिखा दें, ये जो ग्रीन लाइन आप देख सकते हैं, टीयरिंग और रिसेट की लाइन, ये दोनों ही आ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी सीरीज में कॉम्प्लेंट नहीं लगा है, यहाँ पे कॉम्प्लेंट के बाद और सीधा ये डायरेक्ट CPU में जा रहा है गाइस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गाइस आपको यहाँ पे दो टिप्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपका पिन है यहाँ पे, ये टीयरिंग और एक रिसेट की लाइन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टीयरिंग और रिसेट के लाइन में हमारा 775 775 के अप्रॉक्स रीडिंग आना चाहिए। इससे ना मतलब अप्रॉक्स का मतलब 100 200 चलता है, क्योंकि ये मल्टीमीटर, हर एक मल्टीमीटर के अलग अलग रीडिंग होती है। तो सबसे पहले आपने MIPI लाइन चेक कर लेना है, MIPI लाइन ओके है, तो उसके बाद अपनी ID लाइन चेक कर लेना है, ID लाइन ओके है, फिर आपको अपना रिसेट और टीयरिंग लाइन, ये सारी लाइनें जो होती है गाइस ये CPU से आती है जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या क्या कंप्लेंट लगा है मैंने ये भी आपको दिखा दिया कि यहाँ पे डुअल कॉयल में, यहाँ पे MIPI की लाइन में डुअल कॉयल, और यहाँ पे ID की लाइन पे ये, और यहाँ पे रिसेट और इसके लाइन में ये लगा हुआ है। अब उसके बाद आपको करना क्या है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मेन जो हमारा टॉपिक है ये, अब जो ग्राफिक्स का जो सबसे बड़ा मसला आता है, जो कि ये सारी लाइनें बहुत ही रेयर केस में मिसिंग होती हैं, तो अगर ये है तो आपको CPU में काम करना होगा। बाकी ये जो मेन लाइनें हैं, ये हमारी मेन लाइनें हैं 3 लाइन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा VSP VSN और हमारा IO, IO की लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं, VIO की लाइन, इसमें आपका 1.8 वोल्टेज आएगा। और यहाँ पे VSN और VSP, तो मैंने बताया VSN पे कभी कभी वोल्टेज आता है, रीडिंग आता है, और कभी कभी नहीं आता है, और VSP पे रीडिंग ऑलवेज आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारा VSN पे रीडिंग नहीं आएगा। अगर यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रहा है तो आप ये मत सोचिएगा कि ये हमारी ट्रैक ओपन हो गई है, पर फिर भी एक बार आप चेक कर लोगे। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे -5 वोल्टेज जरूर आएगा। तो आपको यहाँ पे -5 और यहाँ पे +5 चेक कर लेना है। रीडिंग के साथ +5 और यहाँ पे रीडिंग के साथ 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आयो वोल्टेज की लाइन को ट्रेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट लगा, एक कॉम्पोनेंट ये लगा और एक सीरीज में कॉयल लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा ही हमारा आएगा मेन पावर से आएगा गाइस। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेन पावर और यहाँ पे कैपेसिटर के थ्रू मेन पावर। तो आपको इस कैपेसिटर से यहाँ पे आपको देख लेना है, बीप ढूंढ लेना है, बीप आ रही कि नहीं, या यहाँ पे 1.8 नहीं आ रहा है तो इस कैपेसिटर पे आप चेक कर लो 1.8 वोल्टेज आ रहा है नहीं। अगर यहाँ पे आ रहा है तो आप उठा के सीधा इस पिन पे आप जम्पर मार सकते हैं। तो आपका काम बहुत ज्यादातर यही लाइनिंग मिस होती है। उसके बाद बात करूँ VSN और VSP की लाइन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 वोल्ट की ग्राफिक साइज ही लगी हुई है। ये VSN और VSP का यहाँ पे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। अगर आपके वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो आप इन दोनों कैपेसिटर को +5 -5 कैपेसिटर को आप चेंज करेंगे। अगर आपका यहाँ पे इस IC के पास आपको चेक कर लेना है कि हमारा 4 वोल्ट बन रहा है कि नहीं, 1.8 आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आप सीधा सीधा इस ग्राफिक्स IC को चेंज कर देंगे। आई होप आपका 110% गाइज आपका ग्राफिक्स सेक्शन क्लियर हो जाएगा। अब चलिए लाइट पे बात कर लेते हैं। तो लाइट पे आने के लिए आपको जैसा कि कनेक्टर्स दिखाई दे रहा है, इस कनेक्टर पहला नंबर और ये आपका 3 4 और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 6 7 8 नंबर, ये हमारी जो लाइन है, जो पहली लाइन है, यहाँ पे हमारी रीडिंग आनी चाहिए। और यहाँ पे हमारे कैथोड में बीप के साथ भी कुछ रीडिंग आनी चाहिए। तो चलिए मैं वो भी दिखा दूँ आपको फटाफट। यहाँ पे मैं साइड कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट सेक्शन है, यहाँ पे कैथोड में हमारा 616 के करीब रीडिंग आना चाहिए, एनोड पे सॉरी, और कैथोड पे हमारी बीप के साथ यहाँ पे 7 कुछ रीडिंग आना चाहिए। और CABC में भी कभी कभी रीडिंग आती है गाइस, और कभी कभी रीडिंग नहीं आती है। तो इस वाले फोन में CABC में 538-83 के करीब रीडिंग आनी चाहिए। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कैथोड की लाइन। कैथोड में आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। एक कॉम्पोनेंट सीरीज में कॉयल, अगर ये कॉयल ओपन हो जाएगा तो ट्रैक ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको ट्रैक चेक करना है, ट्रैक सही है कि नहीं। उसके बाद देख सकते हैं कैपेसिटर, ये आउटपुट का कैपेसिटर, ये डायोड देख सकते हैं। और डायोड के बाद आप देख सकते हैं ये बूस्ट कॉइल से एक सिरा जुड़ा हुआ है। बूस्ट कॉइल के बाद सीधा और सीधा ये IC के पिन पे जुड़ा है। मतलब इसमें जो सर्किट लगा हुआ है, 6 लग का सर्किट 2 लगा हुआ है गाइस। अभी 6 लग का सर्किट 2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी एनोड की लाइन ये देख सकते हैं। एनोड के भी लाइन में भी यहाँ पे देख सकते हैं सीरीज में कॉम्प्लेंट लगा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्प्लेंट यहाँ पे लगा है, 2 कॉम्प्लेंट यहाँ पे लगे। ठीक, सारी कॉम्प्लेंट को आपको वन बाय वन चेक करना है अकॉर्डिंग टू सर्किट कि ओपन तो नहीं हो गया, शॉर्ट तो नहीं हो गया, या लीकेज तो नहीं हो। ज्यादातर ओपन हो जाते हैं, तो ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे वन आ जाएगा। अब CABC की लाइन की अगर हम बात करें तो CABC हमारे देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये हमारा नोज कट होता है। 1 2 3 4 5, 4 और 6 इसका बूस्ट कॉइल लगे रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं CABC में हमारा एक कॉम्प्लेंट लगा हुआ है और इस कॉम्प्लेंट पे और बेसिकली सीधा और सीधा यहाँ पे ट्रैक जा रहा है। तो यहाँ पे आपका बीप आना चाहिए। अगर ये लाइन, अगर ये IC सही है, ट्रैक सही है और आपका आउटपुट वोल्टेज नहीं निकल रहा है, +15 के करीब आउटपुट वोल्टेज नहीं निकल रहा है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है गाइस, आपको अपना सबसे पहले यहाँ पे ये कैपेसिटर और ये डायोड और इस बूस्ट कॉइल को चेंज करना है। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो उसके बाद सीधा सीधा ये 6 लेके कैसे आपको चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.8 से 2.8 वोल्टेज आना चाहिए। अगर यहाँ पे 1.8 वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे 1.8 वोल्टेज दे देना है, बाईपास कर देना है, जिससे IC एक्टिव हो जाएगी। अगर 4 वोल्ट नहीं आ रहा है, ये हमारा BPS पावर से आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पर सीरीज में कंपोनेंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा 4 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पे 4 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पे 4 वोल्ट अगर हमारा फोन ऑन नहीं हुआ है तो। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा ग्राफिक सेक्शन। तो मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ फटाफट। अगर आपकी ट्रैक सही है, आपने ट्रैक को चेक कर लिया, रीडिंग वगैरह आ रही है, तो उसके बाद सबसे पहले ये कैपेसिटर, ये डायोड और यहाँ पे इसका बूस्ट कॉइल को चेंज करिए। उसके बाद नहीं आता तो सीधा सीधा इस IC को चेंज करिए। IC को चेंज करने से पहले आप यहाँ पे एक बार 1.8 और 2.8 वोल्टेज को बाईपास करके देखिए और 100% आपका आ जाएगा। नहीं आता है तो सीधा और सीधा फिर IC को चेंज करिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। ये रीडिंग एक बार और नोट कर लें आप कि किसमें क्या रीडिंग आनी चाहिए। सारी लाइनें लिखी हुई हैं और सारी लाइनों की मैंने यहाँ पे रीडिंग आपको नोट करा दिया है। आई होप वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।